अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहे हमेशा हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो अभी दोपहर क्या है तकरीबन 12 बजने वाले हैं, कुरान वगैरह भी स्कूल से आ गए हैं, अब भी बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो आज जुमा है और सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम प्यारे बहन भाई को जुमा बहुत बहुत मुबारक। इस वजह से कुरान वगैरह भी स्कूल से छुट्टी जल्दी हो गई है। जुमे के दिन तो पहले तो 1 बजे होती थी, जुम्मे के दिन आधी छुट्टी होती है। तो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं दोपहर की रूटीन। तो दोपहर में हम खाना खाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो आज की बहुत ही मज़े की होगी, तो वीडियो आप लोग ने फुल वॉच करनी है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी क्या करें और हमारे वीडियो शेयर भी क्या करें। आज जुम्मा था, फुरान स्कूल में कपड़े पहन के गया, यूनिफॉर्म नहीं पहन के गया, तो अब तो इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी भूख लगी होगी तो खाना खा लेंगे। चलो खाना खाते। तो सलाद के लिए अभी जो है ना मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि फिर हम वो जो अभी आए हुए हैं सलाद के लिए खीरे तो वो नहीं मिलेंगे। इधर बाग वाली पुल पे जो है ना वो हम फ्रम के स्कूल साथ हैं उधर जाते हैं ना, तो इधर नहीं होते, इस चौक पे होते हैं जहाँ से हम सब्ज़ी लेते हैं। तो फिर हमने सोचा चलें प्याज बना लेते हैं। और एक बात है कि सब्ज़ी भी वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं लेके आते, जो बिल्कुल महंगी सब्ज़ी हैं होती हैं वो नहीं ले जाते और जो सस्ती होती हैं वो ले जाते हैं, जैसे तूरियाँ कद्दू वगैरह हो गए और जो गोभी वगैरह है ये नहीं ले जा रहे अभी। गोभी तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगी है। ये देखिए इसने हाथ में भी बबल खाई ना स्टिकर बनाई हुए हैं फरहान ने, इस साइड से ये देखें, छोटे बच्चे हैं ना इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। और पाँव भी अच्छे से धो, मुंह भी धो। चलो जाओ रेस्ट करो, अभी थोड़ी सी देर में अभी प्याज धो के आती हूँ। तो फिर हम सारा चटा मोटा जो काम होता है ना तो वही मिलके पे करते हैं। ये पानी रोटियाँ सारी ले लेती हूँ क्या, पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाएंगी ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये चने हैं नहीं, ये चने की दाल है, चने नहीं थे, चने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हम देर से गए हैं तो आज जुमा था तो रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो दरअसल हम दिन को जो है ना खाना दिन का होता है, रोटी तो हम खुद बना लेते हैं लेकिन जो सालन होता है वो हम लेते हैं बाहर से। नहीं वो रेडी है, एक उस पर छोले मिलते हैं लेकिन आज छोले नहीं थे तो फिर मैं ये दाल भी लेके आया, तो इससे जो है ना हम दोपहर के खाना खाते हैं। तो अभी सारे बर्तन में डालते हैं, अम्मी भी पहुँच आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल अब मैं साथ खाएंगे इसलिए 2 रोटी ले लेती हूँ, जो सालन ज़्यादा है ना वो हम देती हूँ, उनको प्याज भी देती हूँ थोड़े से।
हमारी छोटी सी है, बस आपको तीन चार लोग, तो दो चार पॉइंट पे हम आ जाते हैं बस बैठ के, जाना दोपहर को खाना खा लेते हैं सब मिल के। डेली हमारी ऐसे रूटीन होती है, जब भी अब्बू जाते हैं कुरान वगैरह स्कूल लेने, तब जो है ना वो चने या दाल जो भी होती है, जो मिल जाता है दोनों में से तो लेके आते हैं, फिर हम साथ में सलाद भी बना लेते हैं, सब बैठ के खाना खा लेते हैं दोपहर का। तो जब संडे होता है उस दिन जाना फिर हम सालन मंगा लेते हैं, फिर लकड़ी अब ख़त्म हो गई ना, तो इस वजह से फिर हम सालन के अंदर दिन को नहीं मंगाते। तो रोटियाँ सुबह बड़ी मुश्किल से बनती है, पर हम सुकून से लेट हो जाता है, सुबह नाश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है। बस आज हम कह रहे हैं कि जाएंगे इंशाल्लाह लकड़ी में नटाल से ले आएंगे सब्जी, तो फिर हमारी आसान मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको जो है ना हमने सुखाने के लिए यहाँ पे बाहर रखा हुआ है धूप में, लेकिन बादल जो है वो काफ़ी बने हुए हैं, तो कभी धूप कभी छाँव। आटा आज हमने डालना है इसके अंदर, यहाँ पर बैटरी जो गई है सोलर प्लेट जो है ना चार्जिंग के लिए, अभी इस साइड से धूप है ना अबू के चारपाई के देखें। तो ये डेली बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव है अबू से, शाम को देखें जब भी अबू फ्री होते हैं ना काम से तो ये बच्चे सब आ जाते हैं, क्योंकि अबू जनन को बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनाते हैं, जैसे एरोप्लेन्स की स्टोरीज़ किस तरह उड़ाए जाते हैं, साइकिल हो गई, इस तरह की स्टोरीज, तो इनको बहुत शौक है। तो फरहान क्या कर रहे हो, ये देखें बेड़ी वगैरह बना रहा है क्योंकि बारिशें आई हैं ना, कश्ती बना रहा है, बना रहा है और ये चलाएगा मेरे ख्याल में, बाहर पानी खड़ा है उसमें। तो बच्चे आप कह रही थी, तो बच्चे क्योंकि और तो किसी के पास जाते नहीं और सारे ही मेरे पास आके बैठ जाते हैं सारा दिन, ये मुझे जब भी स्कूल से आते हैं तो मेरे पास ही बैठते हैं, और गए घर रोटी खा के फिर आ गए वापस और मुझसे बातें करते रहते हैं, बहुत हंसते हैं खेलते हैं, और मेरे साथ इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। तमाम घर वालों के जो भी हैं बच्चे मेरे पास आके बैठते हैं। ये देखिए चाचा सर का बेटा है, वो मेरे छोटे चाचा का बेटा है। हाँ, तो अभी इसका एक भाई और भी बाहर खड़ा है, वो भी आ जाएगा। तो जब भी हम बैठते हैं किसी बात पे बात हो रही हो तो सब बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं हमारी बातें और खेलते भी रहते हैं और ख़ास तौर पर बातें भी सुनते हैं। हाँ, तो अब जो है ना इनकी साइकिल जो है बहुत तो ख़राब हो गई हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना ये अब बैठे रहते हैं या होमवर्क करते हैं तो अब्बू के पास जो है ना थोड़ा गपशप करते हैं, और जब फ्री हो अब्बू तो मोबाइल पर ये जो है ना वो गेम वगैरह देखते हैं, साइकिल कैसे चला रहे होते हैं, तो एरोप्लेन उड़ रहा होता है, इस तरह की मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा शौक़ से ये देखते हैं, तो अब्बू से फिर पूछते रहते हैं ये क्या है। तो वैसे तो ये देखते हैं यूट्यूब में और फिर पूछते मुझसे हैं कि ये क्या है, तो मुझे भी क्या पता ये क्या है। तो वो उन्होंने बना रखे हैं बहुत ज़्यादा उड़ने वाली चीज़ें, ये उड़ने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं शौक़ से बच्चे जो है, तो इस वजह से ये एरोप्लेन और जंगी जहाज़ इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं कागज़ की, तो अक्सर लेते भी हैं खिलौने। नहीं, अब तो वो कारें आ गई हैं उड़ने वाली, वो देखते हैं वीडियो में तो वो कहते हैं कि अभी हम भी बनाएंगे। मैंने कहा है कि आप पहले तलीम हासिल कर लें फिर आप बनाना, पहले जो ना अपनी तलीम अगर नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं बना सकोगे। ये देखें ये क्या उड़ रहे हैं, ये मच्छर खाते हैं, तो इनको हम जो ना जहाज बोलते हैं। काफ़ी बादल छाए हुए हैं आज रात, जो कल हमारी गुजरी है ना बहुत ज़्यादा मच्छर था, तो हल्की हल्की बारिश की बूंदी है लेकिन मच्छर काफ़ी ज़्यादा था, तो ये मच्छर अक्सर खाते रहते हैं, कभी कभी ये नज़र आते हैं, ज़्यादा नज़र नहीं आते अब। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर जो है ना वो आप लोगों को फसल दिखाते हैं, बाहर हर बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा है, अंदर पंखे की भी हवा ठंडी है लेकिन बाहर की हवा से तो नहीं मिलती, काफ़ी बादल छा गए हैं, ऐसे लगता है बारिश आज भी होगी, आज लास्ट दिन बता रहे हैं, देखो फिर क्या होता है। तो अगले दिन जो है ना हम यहाँ पे घुसे हुए थे वो गिद्ध की तलाश में, तो दिन को गिद्ध कहाँ मिलते हैं, वो तो भाग जाते हैं डर के, तो कोई भी गिद्ध जो है ना हमें नहीं मिला। तो आप लोग को दिखाई थी नया चीज़ें रेगिस्तान की, काफ़ी पसंद आई, उनको बाहर बांधा हुआ, उस वक्त धूप ज़्यादा थी तो कल हमने जानवर को बिल्कुल भी नहीं बांधा धूप में, वो वहीं पर बैठे रहे हैं, छाँव थी कल सारा दिन छाँव थी, आज काफ़ी धूप सुबह निकली है इस वजह से फिर इनको बांध दिया है यहाँ पे। लकड़ी आज ये देखें काफ़ी आज तलाश किए हैं तो कुछ निकल आई हैं एक दो दिन के लिए, तो अभी सूखने के लिए छोड़ी हुई हैं, जैसे ही जो है ना अब लकड़ियाँ लेके आएंगे तो फिर जो है ना वो यूज़ करेंगे। फरहान को थोड़ा सा जो है ना
सबक वगैरह पढ़ा लेते हैं, आप लोगों ने बोला था, तो उसके बाद जो है फिर हम अपनी वीडियो का भी एंड करेंगे। चलो कुरान वाकफियत आना जनरल नॉलेज जो होता है तो ये पढ़ना है आज फरहान ने सुना है मैं सब कुछ ऐसे कर नहीं करना। तो मैं आज जो है ना आप लोग आपसे सबक सुनूंगी नहीं आज आपको, चलो आज मैं आपसे जो है ना आपको पढ़ाती हूँ ठीक है, अब तो पढ़ाती हूँ सुनती नहीं हूँ। तो आप सब ने कहा है कि सबक सुना करें, तो दरअसल अभी उर्दू में फरहान नहीं पढ़ सकता तो पढ़ा तो रही है सीख जाएगा अभी गिनती और इसको ABC बस यही आती है। चलो फरहान पहला आप लोगों का चैप्टर है हमारा वतन पाकिस्तान। ये बरेआज़म एशिया में वाक़ है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। बस एक लाइन आज की काफ़ी है, वैसे भी इनको सर जो है ना साके पढ़ते हैं और दोनों को बस एक लाइन देते हैं यहाँ से यहाँ तक काफ़ी है ठीक है फरहान। तो फिर जो है ना ये मैं आपको तकरीबन 10 बार रीड करवाऊँगी, फिर आपने खुद याद करना है कल मुझे सुनाना है, तो इस तरह डेली जो है ना आपने मुझसे मैंने आपको सुनना है ठीक है, पढ़ना भी आपने मुझसे और मैंने आपको सुनना है। तो सुकून में पढ़ते हो तो फरहान को मैं अभी पढ़ाती हूँ और वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।